सोशल मीडिया पर युवती के अश्लील कपड़ों के वायरल वीडियो पर बोले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, कहा ऐसे लोगों का समाज को करना चाहिए बहिष्कार। सोशल मीडिया पर एक युवती के अश्लील कपड़ों के वीडियो वायरल होने पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, यह मामला मेरे भी संज्ञान में आया है, जिसके खिलाफ कुछ महिला संगठन पुलिस कमिश्नर को इस संबंध में ज्ञापन देगी। इंदौर सांस्कृतिक विरासत का शहर है, जिसमें इस तरह की अभद्रता नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा देश एक स्वतंत्र देश है, जिसमें सभी को पहनने, खाने और पीने की छूट है, लेकिन यहाँ फंडामेंटल राइट्स का दुरुपयोग है, इसलिए इसमें प्रशासन को कार्यवाही करना चाहिए और समाज को ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। इंदौर पुलिस का भी कहना है कि एक लड़की का अश्लील वीडियो वायरल होने की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई है। कुछ हिंदू संगठनों ने ज्ञापन भी दिया है और कार्यवाही करने की मांग की। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और उस लड़की के घर का भी पता लगा रही है, उसके बाद उस पर कार्यवाही करने की बात भी कही गई। अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद लड़की ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें वहां बोलती हुई नजर आ रही है कि मैं मानती हूं वह नॉर्मल नहीं था, पर ऐसे कपड़े तो बहुत सी लड़कियां पहनती हैं, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, मैं दिखने में ऐसी लगती हूं तो मैं वो वीडियो लाइक और अपलोड कर दिया नॉर्मली रिएक्शन का। उनका कहना है कि न्यूज के लिए आ रही हूं क्योंकि लोगों के व्यूज की जरूरत है और मुझे लगता है कि 100-200 चैनलों पर आऊंगी, एक सप्ताह तक आती रहूंगी और ट्रेंडिंग बनी रहूंगी, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप में से जिसका भी कोई फैमिली मेंबर या कोई आपका रिश्तेदार जिसे पुलिस से शिकायत करनी हो तो प्लीज उन्हें मेरा एड्रेस बता दे, वो मुझसे आकर मिल सकते हैं। मेरे पास भी अभी शिकायत आई है, इंदौर के कुछ महिला संगठन आज सक्रियता के साथ कमिश्नर साहब को, पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देने वाले हैं और मुझे लगता है कि इंदौर एक सांस्कृतिक शहर है, यहाँ इस प्रकार की अभद्रता नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि हमारे भारत के संविधान में लोगों को रहने की, खाने की, पीने की छूट है, पर ऐसी छूट जो दूसरे समाज को प्रभावित कर सके, मैं समझता हूँ कि ये दुरुपयोग है फंडामेंटल राइट्स का, और इसलिए इसके ऊपर प्रशासन को भी जागरूकता से काम करना चाहिए और समाज में भी ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। कुछ संगठनों के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है कि कोई एक युवती है जो मेघू चौपाटी और 56 दुकान के आसपास अश्लीलता फैला रही है, ऐसी एक घटना संज्ञान में आई हुई है जिसको संज्ञान में लिया गया है और जल्दी उसकी पतरसी की जाएगी। कुछ और सोशल मीडिया में भी उसके वीडियो चल रहे हैं जिसके द्वारा बताया गया है कि वो जो युवती है वो दुबई की रहने वाली है, और यही कोशिश रहेगी कि इंदौर शहर की संस्कृति के बारे में लोग अच्छा है और ऐसी कोई भी हरकत होती है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई। नहीं, पतारसी की जा रही है क्योंकि अन्यत्र कहीं पर उसका निवास है और अन्य थाना क्षेत्र पर भी उसके द्वारा ऐसी हरकत की गई है और जल्दी ही पूछताछ की जाएगी। मैं मानती हूँ कि वो नॉर्मल नहीं थे, बट ऐसे ही कपड़े मोस्टली लड़कियाँ पहनती है, वो मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, मैं दिखने में ऐसी लगती हूँ तो मैंने वो वीडियो लाइक अपलोड कर दिया नॉर्मली रिएक्शन का। मैं न्यूज में इसलिए आ रही हूँ क्योंकि लोगों को व्यूज की जरूरत है और मुझे लगता है अभी और कम से कम 100-200 चैनल पे और आऊंगी, अभी 1 वीक तक आती रहूंगी, ऐसे ही ट्रेंडिंग बनी रहूंगी, मुझे उससे कोई इशू नहीं है। आप में से जिसका भी कोई फैमिली मेंबर या जो भी लगता है या किसी ने पुलिस कंप्लेन की है तो प्लीज उन्हें मेरा एड्रेस बता दे, वो मुझसे आके मिल सकते हैं डायरेक्टली फेस टू फेस। मैं 78 में रहती हूँ, विजयनगर।